नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। तो दोस्तों, मैं आज आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि मैं आपको यूएमटी से रिलेटेड बताऊंगा कि यूएमटी का आप कौन कौन सा आपको सेटअप चलाने हैं, कौन कौन सा सेटअप डाउनलोड करना है। तो वो सारी चीज़ें हम यूएमटी का आपको बताएंगे, यूएमटी का सेटअप कैसे इंस्टॉल करते हैं, सारी चीज़ें मैंने इसके एक दो दिन के बाद आपको एक यूएमटी का जो भी पर्सनल जैसे टूल है, जितने आपको सेटअप हैं, कौन कौन से यूएमटी का सेटअप चलाना होता है, कैसे चलाना होता है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पर इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों कि यूएमटी का आपको कौन कौन सा सेटअप आपको अपने सिस्टम में चलाने हैं, और यूएमटी का कौन कौन सा सेटअप काम आता है, और कैसे आप सेटअप को डाउनलोड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम यूएमटी के बारे में आपको बताएंगे, सारी डिटेल के बारे में बताएंगे। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सारे टूल के बारे में, जैसे एक एक सेटअप के बारे में हम उसकी डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सा सेटअप चलाना है, और कौन कौन सा आपको सेटअप डाउनलोड करने हैं, और कहाँ से डाउनलोड करने हैं। ये सारी चीज़ हम ये वीडियो में देखेंगे। और आपको वीडियो, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये वीडियो आपको लगता है कि हमें पता है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये हमारे फ्रेशर स्टूडेंट लोगों के लिए है, कि वो स्टूडेंट जो हमारे एसआई टेलीकॉम में ज्वाइन करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर ये वीडियो आपको पता है कि हम सेटअप कहाँ से डाउनलोड करते हैं, क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, आप स्किप कर सकते हैं। बट जो नए हैं इस फील्ड में काम कर रहे हैं, कि हमें यूएमटी का सेटअप कहाँ से डाउनलोड करना है, कौन कौन से यूएमटी के सेटअप चलाने हैं, वो सारी चीज़ें हम वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे कि आपको कौन कौन से सेटअप डाउनलोड करने हैं। सबसे पहले तो आप यूएमटी का सेटअप डाउनलोड कहाँ से करेंगे, तो यूएमटी का सेटअप हम जाएंगे, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको गूगल में लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है UMT GSM, तो आप UMT GSM जैसे ही लिखेंगे, आपको UMT के GSM फोरम पे आप चले जाएंगे, GSM फोरम के आप साइट में चले जाएंगे। आपको मैं बता दूँ, UMT में आपको चार सेटअप डाउनलोड करने हैं। आपको मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, आपको UMT में चार सेटअप डाउनलोड करने हैं, और उन चार सेटअप को आपको कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब मैं बता सकता हूँ आपको, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे QC Fire का 5.4 आ गया है, Redmi Note 7 Pro, और इसमें सारी चीज़ें, इसमें अपडेट्स होती हैं कि क्या कौन सा नया चल रहा है, क्या नया डाउनलोड हो रहा है, क्या नया अपडेट हो रहा है। तो आप हमेशा दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, रिमाइंड कर दूँ कि आप हमेशा इसके अपडेट से बने रहें। GSM के फोरम में जो भी होता है, इनकी जो रिविजन्स होती हैं, आप रिजीवन उसको फॉलो करें, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम इसमें अभी जो अपडेट आया QC Fire, आपको पहला डाउनलोड करना है, मैं आपको पहला बता दूँ, पहला आपको डाउनलोड करना है QC Fire, दूसरा आपको डाउनलोड करना है GSM, UMT का GSM, तीसरा आपको डाउनलोड करना है अल्टीमेट MediaTek, और चौथा आपको करना है उसकी FRP टूल। तो हम खोलते हैं। आपको डाउनलोड करने के लिए आप किसी एक टैब पे जाएंगे, आप किसी एक टैब को टच करेंगे, आपको वहाँ पे सारे मिल जाएंगे, सारा सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब मैं आऊँगा, नीचे आऊँगा, आप बस नीचे आना है, और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे डाउनलोड मिरर्स लिखा है, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको देखिए, आपको टैप करना है, मैं फिर से रिमाइंड कर दूंगा आपको, आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे डाउनलोड मिरर्स लिखा होगा, आपको डाउनलोड मिरर्स पे क्लिक करना है। आपको एक साइट पर ले जाएंगे, यहाँ पे अब आपसे पूछ रहे हैं कि आपको गूगल ड्राइव डाउनलोड करना है कि MediaFire, सारी चीज़ें आपको गूगल ड्राइव करना है कि MediaFire करना है। तो हम गूगल ड्राइव पर चले जाते हैं। आप दोनों साइड से जा करके आप फाइलों को, सेटअप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपको हम दिखा रहे हैं दोस्तों, सेटअप दिखा रहे हैं कि आप कहाँ से सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको चार सेटअप करना है, एक आपको UMT का QC Fire जो Qualcomm के लिए होता है, एक आपको MediaTek करना है, एक आपको GSM करना है, और एक आपको करना है FRP। तो चलिए हम शुरू से बताते हैं आपको कि आपको कौन कौन सा करना है। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे यहाँ पे UMT Pro और GSM 5.4, तो आपको लेटेस्ट वर्जन, हमेशा जब नया अपडेट भी आएगा तो आपको ऐसे ही अपडेट होना है कि कौन सा सेटअप हमारा लेटेस्ट चल रहा है। तो अभी इसका GSM का लेटेस्ट चल रहा है 5.4, इसका लेटेस्ट का 5.4 चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे 5.4 में, अब आपको देखो इंटरनेशनल डाउनलोड करना है। जैसे कोई बोलता है कि सर मेरा नेपाल से हैं और किसी अदर कंट्री से हैं, तो हमारा चलेगा UMT की नहीं, बिल्कुल चलेगा। आप इसमें इंटरनेशनल वाला सेलेक्ट करें और इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। अब इसमें दूसरा मैं आपको बता दूँ, QC Fire, ये देखिए QC Fire 5.4 जो दूसरा आपका सेटअप है, अभी 5.3 था, पर ये अपडेट अभी आ गया है, 16 मार्च को अपडेट आया है। अब इसमें कर सकते हैं QC Fire आपका 5.4, अब ये आप डाउनलोड कर सकते हैं।
चलिए तीसरा आपको करना है यहाँ पे FRP, जो कि हमने बताया आपको एक अल्टीमेट, और बाकी MNC का भी आपको नहीं करना है, बस चार सेटअप आपको चलाने हैं। तो अल्टीमेट ये आपका क्यूसीफायर, ये आपका है FRP, UMT हमने बोला था, एक आपको FRP तीसरा। चौथा आपका रखना है, जो चौथा सेटअप आपको रखना है, ये आपको रखना है यहाँ पे अल्टीमेट MediaTek MTK अल्टीमेट MediaTek, तो 2.7 चल रहा है। तो इन चारों को आप जैसे क्लिक करेंगे, मैं एक को क्लिक करता हूँ आपको किसी पॉइंट, ये मैं एक सेटअप को क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे एक सेटअप पे जाएंगे और सारे सेटअप आपको मिल जाएंगे। मतलब एक सेटअप आपने खोला और सारे सेटअप आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, कहाँ से क्या सेटअप आपको डाउनलोड करना है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो वो डाउनलोड होगा, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से कहाँ पे क्या क्या डाउनलोडेड है। तो मैं अपना डाटा खोलता हूँ, एक डाटा ऑलरेडी खुला होगा, तो मैं बैक जाता हूँ UMT। अगर दोस्तों ठीक है, Step 4, और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पूरा UMT का एक सेटअप बना के रख लिया है, सारे चीज़ों को स्टोर कर लिया है। तो मेरे पास क्यूसीफायर का 5.3 है, क्यूसीफायर का हमारे पास 5.3 है। हम डाउनलोड पे जाके देखते हैं कि क्या हमारा वो 5.4 डाउनलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। EasyJTEC प्लस और UMT का सेटअप तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मतलब क्यूसीफायर नहीं दिख रहा है। तो हम एक डाउनलोड करके आपको सामने लाइव प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि आप उसको कैसे डाउनलोड करते हैं। तो चलिए हम आते हैं डाटा में, क्रोम में आते हैं, उसके बाद हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। डाउनलोड ऑलवेज, ये डाउनलोड हमारा चालू हो गया है। डाउनलोड हमारा जो क्यूसीफायर का सेटअप है, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, ये डाउनलोड होना चालू हो गया, प्रॉपर तरीके से हमारा डाउनलोड चल रहा है। ये आपके सामने एक लाइव चल रहा है तब तक ये, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, क्योंकि ये डाउनलोड और आपको इंस्टॉलेशन भी हम बता देंगे, आपको एक सेटअप का इंस्टॉलेशन भी बता देंगे। ये वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी, लंबी है, तो आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपको इसमें सारी चीज़ें पता चलेंगी कि कैसे क्या आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप शुरू से करना है, कि कैसे आप उसको सारी चीज़ों को आप डाउनलोड कर सकते हैं और कहाँ से करना है। तो आपको यहाँ पर आएँगे, किसी भी एक टैब को आप खोलेंगे, हमने चार सेटअप बोला था, तो दोस्तों आप किसी भी एक सेटअप को आप खोलेंगे, चाहे आपने ये क्यूसीफायर 5.3 को ही खोला होता तो उसमें आपका ऐड हो जाता, जैसे 5.4 आप कोई भी खोलेंगे आपको चारों सेटअप यहाँ पे मिल जाएंगे। आप गूगल ड्राइव या MediaFire के लिंक में जा सकते हैं, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए, तो ये आपके सामने लाइव प्रैक्टिकल डाउनलोड हो रहा है, एक आपकी फाइल भी डाउनलोड हो रही है, जो कि लाइव भी डाउनलोड हो रहा है, आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं कैसे डाउनलोड करना है कैसे नहीं करना है, वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता रहे हैं। चलिए, तब तक ये डाउनलोड हो रहा है, तब तक मैं आपको ये दिखा दूँ कि और हमें क्या क्या सेटअप चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, बैक जाएंगे, तो ये देखिए UMT का 5.3 में, बस एक ही लेटेस्ट वर्जन नहीं था, तो हम लेटेस्ट वर्जन कैसे डाउनलोड करते हैं सारी चीज़ें आपने देख लिया। और आपको देखिए, हमने चार बोला था, एक UMT क्यूसीफायर, ये होता है आपका क्वालकॉम के लिए, ये होता है आपका MediaTek के लिए, तो ये 2.7 लेटेस्ट चल रहा था जो कि हमने दिखा है, ये सेटअप भी हमारे पास 2.7 है। अब आपको दिखा दें GSM, तो ये 5.4 चल रहा था, हमने इंटरनेशनली डाउनलोड करके रखा है 5.4 तीसरा। अब चौथा हमने FRP के लिए बोला था, तो FRP का ये बेटा चल रहा है 0.5। तो चार सेटअप देखिए दोस्तों हमारे पास डाउनलोडेड है। अब एक सेटअप को हम आपको लाइव प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाएंगे कि उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, अब उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे चलाते हैं, ये सारा चीज़ आपके सामने लाइव ही करके दिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। कोई भी मतलब कि फेक वीडियो नहीं है, आपको अगर लॉन्ग लग रहा होगा तो आप वहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डाउनलोड हो रही है और बहुत जल्द डाउनलोड हो जाएगी, तब तक इस वीडियो को थोड़ा सा हम पॉज करते हैं जब तक ये डाउनलोड हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन रही है, बट दोस्तों ये आप ही लोगों के लिए है स्टेप बाय स्टेप कि आप इसमें क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, अब इसे हम सो इन फोल्डर करते हैं। जैसे हमने सो इन फोल्डर किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा डाउनलोड हो चुका है, कम्प्लीटली डाउनलोड हो चुका है। अब इसको हम अपने फोल्डर में रख सकते हैं और आप जहाँ पर आपको रखना है आप वहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं,
अब इसको एक सेटअप को आपको चारों को एक ही तरह की तरीके से यूज करना है, तो फिर भी दोस्तों मैं यहाँ पे एक सेटअप को आपके सामने चला के दिखाऊंगा कि कैसे उसको इंस्टॉल करते हैं, फिर उसको कैसे यूज करना है, इन चारों सेटअप को कैसे यूज करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इन चारों सेटअप का आपको यूज कैसे करना है। ये जो चार सेटअप हैं आपके पास, इन चारों सेटअप को 1, 2, 3, 4 इन चारों सेटअप को कैसे यूज़ करना है ये आपको हम बताएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बट आपको यहाँ पे आप इंस्टॉलेशन देख लो और ये कैसे सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं आप ये देख लो। तो अभी से हम डबल क्लिक करेंगे, बस यस करेंगे तो ये आपके सामने चल रही है प्रैक्टिकली इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रहा है कि हम UMT के सेटअप को कैसे इंस्टॉल करते हैं। लेटेस्ट सेटअप जो आपका करेंट सेटअप होगा तो एग्री करेंगे आप इसमें, एग्री करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद फिर इंस्टॉल करेंगे, अब इसको नेक्स्ट करेंगे। ये आपसे पूछ रहे थे कि ये देखिए मैं फिर से एक बार बैक करता हूँ, ये पूछ रहे हैं कि आप डेस्कटॉप में रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते। अगर आप नहीं रखना चाहते तो अनटिक कर सकते हैं, और रखना चाहते हैं तो आप टिक कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो ये आपका प्रोसेस इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रहा है। ऑटोमेटिक क्लोज द एप्लीकेशन, डू नॉट क्लोज द एप्लीकेशन, तो आप इसमें ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं और डू नॉट भी रख सकते हैं, ठीक है। एग्री कर दीजिए आप या इग्नोर कर सकते हैं, तो सेटअप भी ऑटोमेटिकली क्लोज आप एप्लीकेशन, तो आप इसे इग्नोर कर दें। फिर से एक बार और CM2 के फायर ADV, ये सारा स्टेप बाय स्टेप ही आपके सामने चल रहा है दोस्तों। मैं आपको बता दूं ये देखिए अब हमारा ये जो प्रोसेस चल रहा है ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है QCFire 5.4, जो कि हमारे पास 5.3 तक था। ये आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमने बताया है कि लेटेस्ट सेटअप UMT के आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें और आपको जो भी कंटेंट में वीडियो चाहिए आप उस कंटेंट में आप वीडियो में बोल सकते हैं। तो हम अभी नेक्स्ट जो वीडियो हम डालेंगे, अभी तो चार वीडियो डालेंगे चार टूल के बारे में, और वही आपको दिखाएंगे कि कैसे उसे यूज़ करना है, कैसे क्या करना है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर कम्प्लीटली हो चुकी हैं, अब ये फिनिश नेक्स्ट करेंगे। अब ये लॉन्च करने के लिए बोल रहे हैं कि अगर आपका डोंगल लगा होगा तो आपका रन हो जाएगा, और डोंगल नहीं लगा होगा तो आप इसे चाहे तो अनटिक करके रन नहीं कर सकते हैं। तो डोंगल ऑलरेडी हमारे सिस्टम में लगा हुआ है, हम उसको आपको दिखाएंगे कि सेटअप भी चालू करके दिखा देते हैं, और वो चारों सेटअप कुछ मैंने जो हमने जो डाउनलोड कराए हैं आपको जो UMT में काम आने हैं, एक आपका UMT GSM है उसके बारे में वीडियो बनाएंगे, एक आपका QCFire के बारे में बनाएंगे, एक आपका FRP के बनाएंगे, और एक आपका जो बनाएंगे वो आपका बना देंगे MediaTek Ultimate पे। तो चार वीडियो आपको नेक्स्ट मिलने वाले हैं बैक टू बैक। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे आपको मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे QCFire 5.4 का ये सर्वर खुल गया है, सारी चीज़ें इसे कैसे यूज़ करते हैं, इसमें क्या क्या यूज़ करना होता है वो हम आपको बताएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे यहाँ पे साउंड स्पेशल क्या है वो सारी चीज़ें डिटेल हम करेंगे आपको। ये तो था आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस दोस्तों। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।